أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نصر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلس فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما آپ حضرات کی مسلسل دعاؤں سے میں بہرحال اس قابل ہو گیا کہ یہ 25ویں تاریخ اور 24ویں یہاں کی تقریر میری آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے
वैसे माह मुबारक में मैंने 25 तकरीरें की और अल्लाह का करम शामिल हाल रहा, आपकी दुआएं थीं। मैं अपने काम को खत्म कर रहा हूं। अब 3 तकरीरें रह जाती हैं, 26, 27, 28, और जैसा कि ऐलान किया जा चुका है कि 29 को ये आखिरी महफिल यहां की नजर है बारगाह हजरत अबू तालिब में। इसलिए उस दिन तफसीर का कोई सवाल बाकी नहीं रहता। ये तकरीरें जो अब रह जाती हैं वो ये तो नहीं कहता कि खुलासे कलाम हैं, ये भी नहीं कहता कि बहुत अहम हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तफसीर के इख्तिताम के लिए इन मबाहिस की जरूरत है। मैं अपनी फिक्र में मुसलसल हूं और जहां कल गुफ्तगू खत्म हुई थी वहीं से मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि वो शादाब नौजवान दिलो दिमाग जो मुझे सुनकर मेरी बातों को महफूज कर रहे हैं, मैं उन पर भरोसा करता हूं। ज़ईफुल उम्र इंसान ये न समझे कह लीजिए सिर्फ नौजवानों का तस्करा हुआ तो वो उनके लिए नदामत का मौका नहीं है, इसलिए कि मजलिस रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना है, जन्नत के बागों में से एक बाग है। यहां बूढ़ा बूढ़ा नहीं रहता, अगर कभी मैं ये कहूं कि नौजवान दिलो दिमाग और शादाब दिलो दिमाग तो उससे उसके माना यह नहीं कि 17-18 वर्ष के बच्चे मुराद हैं, बल्कि वो बुजुर्ग जो अतराफ मेरे हैं और जो काफी मुसिन हैं उनको यह समझना चाहिए कि वो उससे खारिज नहीं है। मैं सूरह रहमान से बाद हवाले दे रहा था, वहीं से भी एक हवाला दूं। वमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मकाम रब से खायफ रहे उसके लिए 2 जन्नतें। रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन नेमतों को इंसो जिन झुटलाओगे। तो बात यह है, ये जन्नतान का जो तसव्वुर है, एक तो वो जन्नत है जो अमल के बदले में मिलेगी, मगर एक वो जन्नत अकली है जिसमें जी रहे हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकते यह तफसीर का रुख क्या है। वह मामन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब की मंजिलत से डर जाए उसके लिए 2 जन्नतें हैं। यानी उसके माना यह है कि दुनिया में एक तरफ वो जन्नत अकली से हमकनार है और आखिरत में उसके लिए वो जन्नत है जो रहीमियत इलाही का लाजिमा है। इसलिए ये भी आपको मालूम है कि वो जन्नत अकली हो या
इनाम में मिली हुई जन्नत दोनों जन्नतों में बूढ़े नहीं जाते। तो ऐसी मंजिल पर ये एक इल्मी गुफ्तगू थी, उससे कोई अंदाजा ये न करे कि कुछ ज़ईफ़ों का भी दिल रख लिया गया या कुछ बूढ़ों का भी लिहाज किया गया, ऐसा नहीं है। ये इल्मी गुफ्तगू है, इसलिए कि जैसे जैसे इंसान सिनों साल की बुजुर्गी के साथ आगे बढ़ता जाता है, अगर मोहब्बत हो तो इतनी रोशनी बढ़ जाती है, इतनी रोशनी बढ़ जाती है कि जिस राह से चले वो राह रोशन हो जाती। बहरहाल तकरीरों ने इस मंजिल पर पहुंचाया। हमेशा इस अमल की कोशिश करता हूं कि आप कुछ सुने, कुछ समझें, और यह तो नहीं कहता कुछ सीखें, बल्कि यह कहता हूं कुछ महफूज करें। साहिब तबरेजी मोहम्मद अली 1081 हिजरी इनका सन वफात है साहिब तबरेजी का, अजीब शेर कह दिया का दामने हर गुल मगीरो गिरदे हर शमए मगर, हर गुल का दामन मत थामो, हर शमा के गिर्द मत फिरो, दामने हर गुल मगीरो गिरदे हर शमए मगर, तालिबे हुस्ने गरीबो मानिए बेगाना बाश, हुस्ने गरीब को ढूंढो वो हुस्न को ढूंढो जहां निस्बतें सत जहन से बुलंद हो जाए, जो अजनबी हो जाए, गरीब हो जाए, गरीब नजर आए, मुसाफिर नजर आए, उस सलसाता पे जाओ, तालिब हुस्ने गरीब मानिए बेगाना बाश, उस माना को ढूंढो कि जिस माना पर सबकी नजर नहीं जाती, वो कौन सा साल है जो नई तफसीर न लिखी जाती हो। मगर क्या बात है इस पे जाओ कुरानी में कि पढ़ने वाला जब जरा से गौर व फिक्र के साथ पढ़ता है तो फिर एक मानिए बेगाना से दो चार होता है, कि जहां ऐसा मालूम होता है कि किसी की नजर नहीं गई, किसी की नजर नहीं गई। जाहिर है कि हम उसी मंजिल पर हैं अब तक, यह 25वीं तकरीर में भी हम यही चाहते हैं कि एक न एक बात हर तकरीर में ऐसी हो कि जो आपकी फिक्र को रोशन करे। तो ये साहिब तबरेजी के इस फिक्र के मुताबिक तालिब हुस्ने गरीबों मानिए बेगाना बाश, हम उस मानी को देखना चाहते हैं कि जहां आम नजरें नहीं जाती। कल की गुफ्तगू सूरह आराफ में ये थी कि जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में जाएंगे। वो अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, और एक अज़ान देने वाला दोनों में दरमियान खड़े होकर दोनों के अजां देगा, अजां देगा। लफ्ज ऐलान नहीं है, अजां देगा और लफ्ज कोई और नहीं आया कि कोई मुअल्लिन होगा,
कोई मलक होगा, कोई नबी होगा, नहीं, ऐलान करने वाला नहीं होगा, अज़ान देने वाला एक मुअज़्ज़िन होगा, एक मुअज़्ज़िन अज़ान देगा। तो अब अज़ान के अरकान जिससे दिलो दिमाग दुनिया में आदि रहे, अगर इन अरकान से हट कर कोई और रुकन कयामत के दिन ऐन अज़ान बन रहा है, तो इसके लिए फुकहा का क्या ख्याल है, इसके लिए फुकहा का क्या ख्याल है? जाहिर है कि यह फुकहा की गुफ्तगू इसलिए है कि मसला अकायद का नहीं है, अज़ान फुरू में है और फिर वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है अज़ान नमाज, तो इस एतबार से जो अज़ान इस ऐलान के लिए हो कि आओ नमाजियों, उसके लिए लफ्ज अज़ान दुनिया में इस्तेमाल हुआ, मगर कभी लफ्ज अज़ान दुनिया में इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ कि फर्क पा जाओ ऐ इंसानों, अपनी तमीज दिखलाओ ऐ बशरियत के दावा करने वालों, पहचाने जाओ ऐ औलाद आदम, बतलाओ कि तुम हक पर हो या बातिल पर हो। इसके लिए लफ्ज अज़ान को दुनिया में इस्तेमाल नहीं किया फुकहा ने। सूरह आराफ में फ़अज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, अज़ान देने वाला अज़ान देगा, और अज़ान के लिए एक रुकन अब न तकबीर है, न शहादत रिसालत है, न नमाज की तरफ बुलाना है, न ये बतलाना है कि नींद से बेहतर है, अज़ान का एक रुकन रह गया वो अज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अन लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन, एक ही रुकन है कि खुदा की रहमत से जुल्म करने वाले दूर हो गए, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी, मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी आराफ में। क्या फरमाते हैं फुकहा, अगर इस जुमले को कोई दुनिया में मुअज़्ज़िन दाखिले अदा कर ले, मसला फुकहा के लिए क्या फरमा, वाज़नाओ मुअज़्ज़िनुन बैनहुम, आप यही कहेंगे कि वहां लफ्जों के माना बदल गए, वहां मानी दूसरे हैं, वहां मुराद कुछ और है, तो फिर अब उस मुराद के पीछे चलिए, इसलिए कि आयत खत्म नहीं हुई यहां। मुअज़्ज़िनुन मुअज़्ज़िनुन बैनहुम मन लअनतुल्लाह अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना, अब पहली मर्तबा कुरान में जुल्म की तारीफ हो रही है कि मुअज़्ज़िन जन्नतो जहन्नम के दरमियान खड़े होकर अज़ान दे रहा है और कह रहा है कि वो जालिम रहमत खुदा से दूर है, अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में खड़े होकर लोगों को रोकते थे, वो यबगूनहा एवजा, और उसको टेढ़ा कर देते, पढ़ रहा हूं, कोई तफसीर ऐसी नहीं है कि जो आपके समझ में ना आए। अब तर्जमा आपकी, क्या इसमें यह है कि खुदा की रहमत से वो लोग दूर हो गए जो मुशरिक हैं,
खुदा की रहमत से वो लोग दूर कर दिए गए जो काफिर हैं। नहीं, जाहिर है कि जिस लफ्ज को कुरान ने यहां चुन लिया उसके तो आप कोई माना नहीं ले सकते, जैसे कि आपने कहा अजां के माना महशर में बदल गए, वैसे आप जालिम के माना कैसे बदलेंगे जबकि कुरान सराहत कर दे कि खुदा की रहमत से जालिम दूर है। और जालिम की तारीफ यह है अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में रुकावटें डालते थे, यानी रास्ता रोक कर खड़े होना, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, रास्ते पर खड़े होकर धोखा देना कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है इस रास्ते से जाओ, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, रास्ते पर खड़े होकर किसी का ये कहना कि मैं रहबर हूं मेरे साथ चलो, गलत रास्ते पर जा रहे हो तो किसी गलत रहबर का आ जाना, यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। मगर यहां तक तो खैर माना हो गए, अब इसके बाद की मंजिल वो यबगूनहा एवजा, और उस रास्ते को टेढ़ा कर देते थे। देखिए बड़ी अजीब मंजिल है, ये मैं ये नहीं कहा कि तुमने दूसरा रास्ता बनाया, ये नहीं कहा कि तुमने नया रास्ता ईजाद किया, ये नहीं कहा कि तुमने कोई नई फिक्र पेश की, ये नहीं कहा कि तुमने कोई नया कुरान लाया, ये नहीं कहा कि तुमने किसी और नबी को पेश किया, सब कुछ वही था मगर यबगूनहा एवजा, जरा सा तुमने मोड़ दिया। सूरह आराफ की तारीफ हो रही है, लजीना आवाज फाजना मौज़िनुन बैनहुम, आयतें तो आपको याद होनी चाहिए, कितनी मरतबा आपने सुना है कि वो नादा असहाबुल जन्नत असहाबन नार अन खद वजदना मा वादना रब्बना हक्का फहल वजदतुम मा वादा रब्बकुम हक्का कालू नाम फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अन लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा एवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून। आयत अब खत्म। और ये वो लोग थे कि रास्ते से फेरते थे, रास्ते को बदलने की कोशिश करते थे, और अंजाम कार ये था कि इनका ईमान ही नहीं था आखिरत पर। ये बहुत छोटा सा जुमला है, मेरी जबान से निकल गया, मगर जहां जहां नजर जाए, जहां जहां नजर जाए, गहरी फिक्र में रातों की तन्हाई में सोचिए, ये आखिरत को भी मानता था। वो हम बिल आखिरत काफिरून, ये आखिरत को मानने वाले नहीं थे। तो जालिम की तारीफ कुरान ने ये नहीं की कि हक छीन लिया, गुनाह को कत्ल कर दिया, फसाद पैदा किया। जालिम की तारीफ कुरान ने इस मंजिल पे ये नहीं की कि लूट लिया, हैरान कर दिया शहर वालों को, कुछ नहीं। यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा एवजा व हुम बिल आखिरति काफिरून, ये रास्ते से हटा देते थे अल्लाह के लोगों को, जो चलने वालों को, और अल्लाह के रास्ते से हटाकर उसको टेढ़ा कर देते थे। एवजा
उसमें कजी पैदा करते थे और वो आखिरत को तस्लीम नहीं करते थे। बस हो गई गुफ्तगु। आइए वापिस जहां से हमने शुरू किया था सिलसिले को। ये यसुद्दून अन सबीलिल्लाह से पता चला कि कोई पैरेलल रास्ते का तस्करा नहीं है, मैंने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूं, कोई मुतवाजी रास्ते का तस्करा नहीं है। रास्ता वही है अल्लाह का, वही रास्ता है और वही रास्ता है जिसको सिराते मुस्तकीम कह रहा है और वही रास्ता है जिसके लिए शैतान कह रहा है कि उसी सिराते मुस्तकीम पे बैठूंगा। वही रास्ता है कि जिसके लिए शैतान ने कहा था ला तनकन ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, इसकी पूरी ज़ुरियत को तबाह कर दूंगा मगर चंद आदमी। इल्ला क़लीला, मगर चंद आदमी होंगे जिनको तबाह न कर सकूंगा। ज़ुरियत तबाह हो जाएगी तो उस ज़ुरियत में आप ये कलील को क्यों मिला रहे हैं? बहुत गौर से सुनिए इस मसले को कि जहां कलील के लिए खुद शैतान इस्मत का कायल हो, वो भी मासूम मानता है कलील को कि इनको न बहका सकूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, वहां हम ये कहते हैं क्या फर्क है। तो उसके माना ये है कि कुरान पर नजर नहीं है। अगर कुरान पर नजर होती तो पता चलता कि बहकाने वाला जहां आजिज हो जाए, जहां आजिज हो जाए वहां किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि वो अगवा से उनको रास्ते से हटा दे। देख बहुत गौर सुनिए, देखिए सिलसिले से गुफ्तगू जारी। तो अब पता चला कि लाहतने करना ज़ुर्रियतहू एक तरफ, इल्ला कलीला एक तरफ, लअग़वियन्नहुम अजमईन एक तरफ, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन एक तरफ। तो अब अगर बहके हुओं को राह लेनी हो और रास्ता ढूंढना हो तो इसी कलील ग्रोह की तरफ जाना पड़ेगा। मुखलसीन की तरफ जाना पड़ेगा और यही वो मंजिल है कि जहां ये मुखलस बंदे हिदायतों की मंजिल पर है। वहां इरशाद होता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो जिसने अपने रसूल को हिदायतों से भेजा। कल ये गुफ्तगू हो रही थी कि जब हजरत आदम को हटाया गया और दुनिया में भेज दिया गया तो आवाज आई फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदाया, मेरे पास से तुम्हारे पास हिदायतें आएंगी। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदाया फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला यहज़नून, जो मेरी हिदायतों की पैरवी करे। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, जब हिदायत मेरे पास से आए और तुम उसकी पैरवी करो तो तुमको खौफ और हुज़्न नहीं होगा। तो कल यह गुफ्तगू हो रही थी कि हिदायत हवाओं में नहीं है, अब्र में नहीं है, पानी की बूंद के साथ नहीं आती है, फिजाओं में हिदायत नहीं है। अरसला रसूलहू बिलहुदा, वो रसूल को भेजता है हिदायत के साथ। ये एक चीज तय की आपने, रसूल आता है हिदायत के साथ
اور اگر اس مقام پر یہ سورہ فتح میں آیت ختم ہو جاتی تو بڑی تشنگی رہ جاتی، اس لیے بے اختیار اب نام لے لیا رسول کا اور کہا محمد رسول اللہ، مگر اکیلا نہیں، والذین معہ، والذین معہ، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا، اب پتا چلا والذین معہ ایک سلسلہ ہے ان قلیل انسانوں کا، ان مخلص بندوں کا جو اغوا شیطانی سے دور ہیں. والذین معہ، اب تعریف اس کی آپ سنیں گے کل پرسوں اور اس کے بعد کی تقریر میں. میں اس مقام پر رک رہا ہوں اس لیے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ اس سورے میں اعجاز ہے. قرآن مجید میں کسی مقام پر پیغمبر کا اس طرح نام نہیں آیا ہے، اس طرح سے آیا ہے وما محمد الا رسول. ایک مقام پر آیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اب دیکھا، اور اسی طرح سے سورہ محمد میں نام لیا گیا والذین آمنوا بمحمد، وہ لوگ جو ایمان لائے محمد پر. صرف سورہ فتح میں نام، عہدہ، لقب، جس کو تم نے محو کرنے کی کوشش کی صلح حدیبیہ میں، اس کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے. محمد رسول اللہ، اس کے ساتھ والذین معہ. اب یہ معیت ہے، اب یہ معیت ہے رسول کے ساتھ، تو جہاں رسول کا نام لیا جائے، اگر معیت کا خیال نہ ہو تو نہ اذان صحیح ہے، نہ اقامہ صحیح ہے، نہ نماز صحیح ہے. والذین معہ، جو اس کے ساتھ. سبحان اللہ، کیا معیت ہے. والذین معہ، جو اس کے ساتھ ہیں، یعنی فتح خیبر کے بعد نہیں، فتح مکہ کے بعد نہیں، صلح حدیبیہ میں نہیں. والذین معہ، فقط مدینے میں نہیں، مکے میں نہیں، فقط مکے میں نہیں، جس دن پہلی مرتبہ آواز دی انی رسول اللہ، تو اس وقت ساری کائنات میں ایک ہی انسان تھا جس نے کہا انا معہ. ایک انسان تھا جیسے اس نے کہا انی رسول اللہ، تو اس نے کہا وہ انا معہ، اور میں ساتھ تھا. یہ وہ معیت ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، سلو میں جنگ میں نہیں، فرش پر، عرش پر. ساتھ وہ آگے بڑھے تو نظر رسول پر جاتے ہوئے،
पहले उस साहिब मईयत पे जाती है और उसके बाद बे अख्तियार गालिब को ये कहना पड़ता है कि ये न समझो मैं दीवाना हूं या खिरत से आ रही हूं, मुझे अकल नहीं है। मुझे अकल है बस एक मिसरा, मुझे अकल है लेकिन होशियारम बा खुदाओ बा अली दीवाना। होशियारम बा खुदाओ वहां होशियार हूं दीवानगी यहां है जब दामन से लिपटता हूं तब फिर दिल यही चाहता है कि तस्करा इन्हीं का रहे रुक हयात किसी तरफ हो, अली याद आए, किसी से बातें करता रहूं, अली जहन में रहे, कहीं किसी मंजिल पर रहूं, दिल उसी तरफ रहे। और इसीलिए मैंने दो शेर आपको मीर तकी मीर के गजल के सुनाए थे और फिर आज तकरार करता हूं बगैर इसलिए कि उसी गजल के दो शेर और याद रखिए। तुझे भी यार अपना हम तो यूं हर बार कहते हैं, तुझे भी यार अपना हम तो यूं हर बार कहते हैं, वले कम हैं बहुत वे लोग जिनको यार कहते हैं। गजल है तेरी आंखों को आऊं देखने में, तू अजब मत कर के बेहतर है आदत और इन्हें बीमार कहते हैं। गजल है ना, इसलिए पढ़ रहा हूं कि पता चले गजल है। तेरी आंखों को आऊं देखने में, तू अजब मत कर ये बेहतर है आदत और इन्हें बीमार कहते हैं। और इसी मंजिल पर आकर गाओ कि अजब होते हैं ये शायर, मैं इस फिरके का आशिक हूं, भरी महफिल में बेधड़के यही असरार कहते हैं, असरार कहते हैं। माज़अल्लाह, ये शेर मेरे समझ में नहीं आया। उर्दू अदब में जहां जहां तक मैंने मेहनत की है और जितने मैंने दीवान पढ़ डाले हैं, मैं उसको आपके सामने नहीं कहना चाहता, मगर ये शेर मेरे समझ में नहीं आया, आप कहें समझ लें। माज़अल्लाह दखले कुफ्र है इस्लाम में क्यों हो, माज़अल्लाह दखले कुफ्र है इस्लाम में क्यों हो। गलत और पूछ ना माकूल बाज़े यार कहते हैं। माज़अल्लाह दखले कुफ्र है इस्लाम में क्यों हो, गलत और पूछ ना माकूल बाने यार कहते हैं। और आखिर में सगे कुमीर, मैं उस शेर हक का हूं के सब जिसको नबी का कैश भाई है दरे। कभी कभी जब मैं मुश्किलात में फंस जाता हूं तो मैं आप ही लोगों से मदद लेता हूं कि आप मेरी रहबरी करें, किसी शेर के माना कर दें, बतलाएं कि इस शेर के माना ये है या ये, उसकी फिक्र यूं ले जाती है कहीं। बहरहाल मैं आजिज हूं। बहुत से अशआर ऐसे हैं मीर के पास, तो बहुत से अशआर ऐसे हैं कि जहां वाकई मीर अब तक समझ में नहीं आए, और चूंकि समझ में नहीं आए इसलिए उनको दर्द से हटा दिया, निसाब से हटा दिया। उनका समझ में आता ही नहीं है तो इसको हटाओ निसाब से।
निसाब से हटा दिया और कहा कि ये आदमी समझ में नहीं आता है। बहरहाल जो कुछ है अब इस आलम में कि रुके हयात कहीं है, रुके हयात कहीं है, मगर ऐसा मालूम होता है कि सारी तवज्जोहात का मरकज कोई बना हुआ है, मरकज कोई बना हुआ है। और इस मंजिल पर बे अख्तियार कोई कहे कि नफ्स नबी खुदा नुसैरी इमाम खालिक अब ये गालिब है। और आपको मालूम है ये छपा हुआ दीवान है, गालिब लाइब्रेरी मौजूद है, मुसलसल हर हफ्ते तकरीरें होती हैं, मगर किन हिस्सों को छोड़ा जाता है और किन हिस्सों पर गुफ्तगू होती है ये अब तक हमारे समझ में नहीं आया। नफ्स नबी खुदा नुसैरी इमाम खालिक उन मिन्नत अजीम के हक बर जहान हार, वो बड़ा एहसान के जिसको पैदा करके अल्लाह ने दुनिया पर एक बहुत बड़ा लुत्फ किया है। हंगामा गर्म सादे सफे वासिला अली, ना इसका तर्जमा मुमकिन है ना समझा सकता हूं। हंगामा गर्म सादे सफे वासिला अली कल इस इल्म कीश शामा बबज में आया निहार, परवर दिजारे नातिकाए आरिफा अली। आपने देखा अब रुखे हयात कहां जा रहा है और मोहब्बत की दीवानगी कहां ले जा रही है। होशियारम बा खुदा बाली दीवाना, हंगामा गर्म सावे सफे वासिलाओं वाली का दिल में कई शामा बब्बर में आया निहार, परवर दिगारे नतकए आरिफों वाली। कल हर्फ खुद बकाम दहन दास्तान हाज, कद हर्फ खुद बकाम दहन दास्तान हाज, एक बात कह दी तो सिलसिला छिड़ गया कयामत तक। नातिकए आरिफां परवरदिगार नातिकए आरिफां वाली कद हर्फ खुद बकाम दहन दास्तान निहार, और उसके बाद बेख्तियार उनका कहना के शमई जे आतशे शजरे तूर बरफरूख, ये जो तूर पे एक दरख्त पे आग लगी थी उससे एक शमा हक ने जलाई। शमे जे आतशे शजरे तूर बरफुरु उन रा बे खिलवते अलीउल्लाहिया निहार, शमे जे आतशे शजरे तूर बरफुरु उन राव बखिलवत वलीउल्लाहिया निहार, यानी हमारी खिलवत में अब वो शमा जल रही है क्योंकि खुद इनको ये दावा है ना, इनको हम तो नहीं कर सकते ये दावा, जाहिर है कि ये दावा भी समझ वालों का काम है, ना समझ इंसान तो ये दावा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि शुभा उस, यानी हमारी खिलवत में अब वो शमा जल रही है क्योंकि खुद इनको ये दावा है ना, इनको हम तो नहीं कर सकते ये दावा, जाहिर है कि ये दावा भी समझ वालों का काम है, ना समझ इंसान तो ये दावा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि शुभा उसको हो जो हकीकत तक पहुंच के हैरान हो, जो हकीकत ही को न जाने उसको शुभा क्या है, वो
सुनने को बद की तमीज नहीं करता कि कौन कहाँ है, इसलिए यह मकाम इनका बुलंद है। मैं कैसे कहूँ कि काफिर हैं, नजिस हैं, फुकहा ने क्या कहा है, जो कुछ भी कहा है, मगर एक बात है, वो ये है कि इन्होंने शुभ किया कि ये है या वो है। तो जिसने शिबा किया उसने ये को भी समझने की कोशिश की, वो को भी समझने की कोशिश की। समय जाओ तशे शजरे तू बसरो वनराव वखिलवते वलियुल्लाहिया निहाओ। तो ये वो मंजिल हो जाती है मोहब्बत की, जहां बे अख्तियार इंसान उस तारीफ की मंजिल पर आता है कि जहां वो चाहता है कि दिन और रात, सुबह शाम, हर आन बस किसी का नाम विर्द जबां हो और मुसलसल तारीफ हो। भाई जिसको तारीफ से फुर्सत न हो उसको मन खसत से काम क्या है। अरे यहां तारीफ का फुर्सत नहीं है, फजीलत के बयान करने से फुर्सत नहीं है, तो किसी और का तस्करा क्या है। तारीफ का फुर्सत नहीं है तो मन खसत से क्या काम है, इसलिए इन महफिलों को जन्नत अखली जानो इसलिए कि मोहब्बत की बातें हैं, मोहब्बत के अफकार हैं, और जाहिर है कि उन राहों पर जा रहे हैं जहां मालूम है कि अगवाए शैतानी नहीं है। तो ऐसी मंजिल पर पहुंचकर जब हमने देखा कि बे अख्तियार पैगंबर का नाम लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो साथी का वल्लज़ी नमाहू, और वो लोग जो साथ हैं तो बस यार करी जुमला मैंने कुछ वक्त ले लिया, उसके साथ ही कहा वल्लज़ी नमाहू, वो लोग जो साथ हैं, नमाज पढ़ने वाले नहीं, रोजा रखने वाले नहीं, ज़कात देने वाले नहीं, वल्लज़ी नमाहू अशिद्दाउ अलल कुफार। अरे पूरे सूरह फतह का खुलासा कर दिया कि देखो फतह मक्का में, देखो फतह खैबर में, और देखोगे हुनैन में, और देखोगे जमल में, सिफीन में, नहरवान में, अशिद्दाउ अलल कुफार।